my precious friend. मेरे अति प्रिय मित्रों, what a joy it is to come into the presence of our heavenly Father. हमारे स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में आना कितने आनंद की बात है. When there is no hope in this world for us to survive, He comes and He commands light to come out of our darkness. जब हमारे लिए संसार में कोई आशा नहीं होती कि हम जी सकें, वाता और हमारे लिए एक रोशनी को आदेश देता है. The Lord delivers us from the mouth of the lions. परमेश्वर हमें सिंहों के मुंह से छुड़ाता है. The Lord walks amongst us and walks with us in the midst of the fire that burns, which has been set by our enemies and the wicked people of the world to destroy us. हमें नाश करने के लिए संसार के दुष्ट और शैतान के द्वारा हमारे लिए जो आग जलाई गई है उसमें वो हमें आजाद करता है. Not a hair falls. एक भी बाल गिरने नहीं पाता. Not a tear goes without an answer. और हमारे एक भी आंसू बिना उत्तर के नहीं जाते हैं. No shame, but double portion of honor. वो हमें शर्मिंदगी नहीं लेकिन आदर का दूना हिस्सा देता है. And the work of the Lord is made to go on through us. और हमारे द्वारा परमेश्वर का कार्य चलता रहता है. This is the blessing that God has for us this month. और इस माह में परमेश्वर ने यही आशीष हमारे लिए रखी है. In Ezekiel 37 and verse 27. यहजकेल 37 और वचन 27 में. The Lord says. यहोवा परमेश्वर कहता है. My dwelling place will be with them. मेरा निवास स्थान उनके बीच में होगा. I will be their God. मैं उनका परमेश्वर होऊंगा. They will be my people. वे मेरे लोग या मेरी प्रजा ठहरेंगे. My dwelling place will be with you, my child. और मेरे बच्चे तेरे बीच में मेरा निवास स्थान होगा. I'll be dwelling, I'll be living with you, my child. मेरे बच्चे मैं तेरे साथ में रहूंगा, निवास करूंगा. Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी न डर. You are not alone. तू अकेला नहीं है. You are not alone. तू अकेला नहीं है. I'll be living with you. मैं तेरे साथ साथ रहूंगा. Many times we long for someone to come and live with us. कई बार हम चाहते हैं कोई आकर के हमारे साथ में रहे. Someone to take over our burdens. कोई आए और हमारे बोझ को अपने ऊपर में उठा ले. Someone to provide for our needs. कोई हो जो हमारी आवश्यकताओं को हमारे लिए पूरा करे. Someone to comfort us. कोई हो जो हमें ढाढ़स दे. Someone to say, "Don't worry, there is a way for you." कोई हमसे ये कहे, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक राह है. Someone to show us the way. और कोई हो जो हमें राह दिखाए. God says. परमेश्वर कहता है. I will be that someone. मैं तुम्हारे लिए वह व्यक्ति बनूंगा. Moses says in Exodus 33. निर्गमन 33 में मूसा कहता है. My Lord, tell me who will go along with me to carry these people. मुझे बता मेरे प्रभु, मेरे साथ कौन जाएगा जो इन लोगों को ले आए. But God said, Moses, लेकिन यहोवा ने कहा, मूसा, I myself will go with. मैं स्वयं तेरे साथ साथ चलूंगा. My presence shall go with you. मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी. I will give you rest. और मैं तुझे आराम दूंगा. I will give you peace. मैं तुझे शांति दूंगा. Everything will be peaceful and restful. सब कुछ बिल्कुल शांत और पूरी तरह से विश्रांति का होगा. He is going to come with you as God. वो ईश्वर के रूप में आपके साथ आने जा रहा है. He says in Exodus 34 and verse 10. निर्गमन 34 वचन 10 में परमेश्वर यहोवा कहता है. I will go with you, my son, my daughter. मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा. And I will do great wonders before the eyes of the people for you. और तेरी खातिर, तेरे लिए, लोगों के सामने मैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा. He will show himself as God. वो अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट करेगा. He will show that all things are possible with him for you. और वो दिखाएगा कि उसके द्वारा आपके लिए सब कुछ संभव. This month you will see him working for you as the Almighty God. इस माह आप उसको अपने जीवन में सर्व सामर्थी परमेश्वर के रूप में आपके लिए कार्य करता देखेंगे. The scripture says, शास्त्र जो है यों कहता है, He does wonders without number. वो असंख्य आश्चर्य कर्म करता है. He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है. Yes, my friend, He spoke to
Joshua and said, "Be strong, Joshua." मेरे मित्र, उसने यहोशू से कहा, यहोशू धीवा बा। Be of good courage. और तू दृढ़ हो जा। I will never leave you. मैं तुझे कभी ना छोडूंगा। I will never forsake you. और ना ही मैं तुझे कभी भूलूंगा। No man shall be able to stand before. कोई भी मनुष्य तेरे सामने कभी खड़ा ना हो पाएगा। Joshua, I'll be with you as God, and no man in this world, no woman in this world will be able to stand before. यहोशू, मैं तेरे साथ परमेश्वर के रूप में खड़ा होऊंगा और कोई भी तेरे सामने खड़ा ना हो पाएगा। Joshua 1:5-9. यहोशू 1:5-9. Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी भयभीत ना हो। God will appear to you. परमेश्वर आपको प्रकट होंगे। As the Almighty God, and do everything supernaturally before the eyes of all the people of the world. और पूरे संसार के लोगों के सामने वो आपके लिए परमेश्वर के रूप में अलौकिक कार्यों को प्रकट करेंगे। Secondly, he will appear to you and come and live with you as your father. दूसरी बात, वो पिता के रूप में आपको प्रकट होंगे और आपके साथ आकर रहेंगे। 2 Corinthians 6:18. दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसका वचन 18 है। He'll be a father to you and you will be his son and his daughter. वो आपके लिए एक पिता होगा और आप उसके लिए बेटे और बेटियां होंगे। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी ना डरें। As a father, he will provide everything for you richly to enjoy. एक पिता के रूप में वो आपको सब कुछ देगा कि बहुतायत से उसका आनंद लें। Ephesians 3:20. इफिसियों 3 और उसके वचन 20 के अनुसार। He will do much more exceedingly than what you ask. वो आपके मांगने से ज्यादा बढ़कर के कहीं आपके लिए करेगा। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6 और उसके वचन 17 अनुसार। Do not be afraid. बिल्कुल भी न डरें। He'll be a father to you. वो आपके लिए एक पिता बनेगा। And before you call, he will answer. और आपके पुकारने से पहले वो उत्तर देगा। Isaiah 65:24. यशायाह 65 और उसके वचन 24 के अनुसार। He says, "My child, ask anything in my name, and I will do it." वो कहता, मेरे बच्चे, तू कुछ भी मेरे नाम से मांग, मैं तुझे दूंगा। John 14:13-14. यूहन्ना 14 उसका वचन 13 और 14 में वो यही कहता है। Ask so that you will receive from me and your joy will be full. मांगो ताकि तुम मुझसे पाओ और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। John 16:24. यूहन्ना 16 और उसके वचन 24 के अनुसार से। Call unto me and I will answer. वो कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। I will show you great and unsearchable things which you do not know. मैं तुझे ऐसी महान और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझता नहीं। यर्मिया 33 और उसके वचन 3 में वो ऐसा ही कहता है। He has bound himself with you and bound yourself with him with cords of love. उसने प्रेम की डोर से खुद को आपसे और आपको अपने आप से बांध रखा है। Hosea 11:4. होशे उसका अध्याय 11 और वचन 4 यही कहता है। Truly, he loves you. निश्चय ही वह आपसे प्रेम करता है। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी ना डरे। He is a father to you. वह आपके लिए एक पिता है। He'll perfect everything for you. वह आपके लिए सारी चीजों को बिल्कुल सिद्ध कर देगा। He will never let you down. और वह आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। And thirdly, he'll be with you as your glory. और तीसरी चीज, वो आपके साथ आपकी महिमा के रूप में रहेगा। Zechariah 2:5. जकरिया 2:5 में। He says, "I will be a wall of fire around you." वो कहता, मैं तेरे चारों तरफ अग्नि की एक दीवार बन जाऊंगा। And I will be your glory within you. और वो कहता, मैं तेरे अंदर, तेरे लिए, मैं तेरी वो महिमा बन जाऊंगा। The glory of God is unique, my friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर की महिमा जो है वो तो अद्भुत है। What does this glory of God do? परमेश्वर की महिमा क्या करती है हमारे लिए? The Bible says, बाइबल हमें कहती है, when darkness, thick darkness surrounds the earth, God's glory rises up within us and upon us. जब पृथ्वी के ऊपर घना अंधियारा छाता है तो परमेश्वर की महिमा हमारे चारों ओर उदित होती है। Isaiah 60:2. यशायाह 60 और वचन 2 के अनुसार। God's glory dispels the greatest thick
darkness of this world that comes to put us in darkness and chains of darkness. वह घोर अंधियारा जो हमें अंधियारे में रखने और उसमें बांधने के लिए आता है, परमेश्वर की महिमा जो है उस अंधियारे को दूर कर देती है. This world is full of darkness. यह संसार तो अंधियारे से भरा हुआ है. Ingratitude. कृतघ्नता से भरा है. Jealousy. ईर्ष्या से भरा हुआ है. Sadistic heart which does not want anybody to prosper. एक ऐसा कठोर हृदय जो नहीं चाहता कि कोई भी संपन्न हो से भरा है. The wicked heart which wants to destroy everyone else for oneself to enjoy their own lust, pride and gratification. एक ऐसा हृदय जो केवल अपने ही स्वार्थ और अपने आनंद के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, घमंड की पूर्ति के लिए दूसरों को बस नाश करना चाहता है. These bring darkness upon the righteous, upon the people. ये जो है लोगों के ऊपर, धर्मियों के ऊपर अंधियारे को ले आते हैं. But God sends His glory. परंतु परमेश्वर अपनी महिमा को भेजता है. His glory comes and rises up within us to protect us from that thick darkness of the world. उसकी महिमा आती और हमें ढांप लेती है ताकि संसार के इस घोर अंधियारे से वो हमारी रक्षा करे. And what does this glory do? और ये जो महिमा है वो हमारे लिए क्या करती है? It brings the word of God. ये परमेश्वर के वचन को लेकर आती है. If you read John 1:14, अगर आप यूहन्ना 1:14 को पढ़ें, and Hebrews 1:3, और इब्रानी 1:3 को भी पढ़ें, the glory of God comes to us through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे पास उसकी महिमा. As we read the scriptures, जब हम उसके वचनों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, we see Jesus Christ, the glory of God, revealed to us through every word. हम देखते हैं कि हर एक वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की महिमा है हम पर प्रकट होता है. And as this glory of God comes into us, और जब ये परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आती है, it gives us the strength to overcome every darkness. तो ये हमें बल देती है कि हम हर एक ऐसे अंधियारे के ऊपर जयवंत हों. In John 8:12, यूहन्ना 8:13 में, Jesus said, "I am the light of the world." यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. He who walks in darkness shall have the light of life if that person follows me. जो अंधियारे में चलता है, अगर वो मेरे पीछे हो ले, तो जीवन की ज्योति को पाएगा. In Luke chapter 24, लुका अध्याय 24 में, after Jesus was crucified and killed, क्रूसारोहण के बाद जब यीशु मार डाले गए, two disciples walked from Jerusalem. Lamenting over the death of Jesus towards the village of Emmaus. तो दो चेले जो थे, शोक करते हुए, वो इमाउस की राह में बढ़ते चले जा रहे थे. Thick darkness surrounded them. और घोर अंधियारे ने उन्हें ढांप लिया था. They said, "Our Savior, our hope is gone." उन्होंने कहा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारी आशा जो है, चला गया. In Luke 24:19, they said, "Jesus was." A prophet, mighty in word and deed. लुका 24:19 में उन्होंने कहा, यीशु तो एक वचन और कर्म में महान भविष्यवक्ता था. But they killed him. लेकिन उन्होंने उसे मार डाला. The wicked people killed him. The darkness-filled people killed him. जो अंधियारे से भरे दुष्ट लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को पूरी तरह से मार डाला. But लेकिन the resurrected Jesus. वह पुनरुत्थित प्रभु यीशु. The one who rose up from the dead on the third day after his death. जो अपनी मृत्यु के बाद तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जी उठा. Appeared to them in a different form, which they could not recognize. उनके सामने एक अलग रूप में प्रकट हुआ, जिस रूप को वो देख करके पहचान ही नहीं सके. And he walked with them. और वो उनके साथ चला. And he showed them the scriptures which were written about him, about how he would have to die. For the sins of the whole world, as a sacrifice for their sins to be forgiven, and then how he would rise up on the third day. और उसने उन्हें शास्त्रों से दिखाया कि कैसे उसे उनके पापों के लिए मारा जाना था और वो तीन दिन के बाद वापस जी उठता. As they heard the scriptures, their hearts began to burn with faith and hope. जब उन्होंने उन शास्त्रों को सुना तो उनके हृदय जो थे
विश्वास और आशा के साथ फिर से जलवित हो गए। And when their village drew near and their home was coming near, both of them said, "Lord, please come and stay with us because it's night and it's darkness everywhere." जब उनका घर उनका गांव आ रहा था तो उन्होंने उससे कहा, प्रभु जी आप हमारे साथ आइए और आज हमारे साथ रुकिए। And the Bible says Jesus went with them to stay with them. और बाइबल हमें बताती है कि यीशु उनके साथ गया कि वो उनके साथ रुके। And when they went in, Jesus took the bread, blessed it, gave thanks, and he gave it to them, fed them. और अंदर आकर के प्रभु ने रोटी ली, उसके लिए धन्यवाद दिया, उसे तोड़ करके उन्हें दी और उनको भोजन किया। And their eyes opened. और तब उनकी जो आंखें थी वो खुल गई। They saw the Lord of glory before their eyes. और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस महिमा के परमेश्वर प्रभु को देखा। What great joy! कैसा महान आनंद था। His word shall come to bring us glory, for us to see the King of glory. उसका वचन जो है हमारे लिए परमेश्वर की महिमा को लेकर के आता है, ताकि हम उस महिमा के राजा का दर्शन कर सकें। Today and this month you will receive him and you'll be filled with the glory that comes from the word of God. आज और इस माह आप उसे स्वीकारेंगे और आप परमेश्वर की उस महिमा से जो परमेश्वर के वचन से आता है भर जाएंगे। God will speak to you through his word. अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। And this month your eyes will be open to see Jesus, the living God, full of God's glory. और इस महीने आपकी आंखें खुल जाएंगी कि परमेश्वर को यीशु को आप पूरी महिमा के साथ देखने पाएंगे। And fourthly, how will this glory come to you? और चौथी बात, ये महिमा आपके पास कैसे आएगी? If you read John 7:39, अगर आप यूहन्ना 7:39 को देखें, the glory of God comes because of the sacrifice of Jesus on the cross for us. परमेश्वर की महिमा क्रूस पर यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमारे पास आती है। And because he has sacrificed himself on the cross, the Holy Spirit had the way to come into the heart of everyone to resurrect us also. और चूंकि उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, इसके द्वारा से हमारे हरेक के हृदय में उसने यीशु के आने के लिए रास्ता बनाया। Jesus had to be glorified through his death and resurrection to bring the Holy Spirit to us, who would bring resurrection to our lives too. अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने महिमा को प्राप्त किया, ताकि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा को दे, ताकि हमारे जीवन में भी वो पुनरुत्थान को लेकर के आए। Today when the Holy Spirit comes to us, आज जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, He makes us offer ourselves as a living sacrifice to God. तो वो अपने द्वारा हमें परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान के रूप में परिवर्तित कर देता है। Romans 12:1 says so. रोमियो 12 और उसका वचन 1 जो है ऐसा ही कहता है। As we offer our bodies as a living sacrifice to walk after righteousness, that becomes the worship that we offer to God. जब हम धार्मिकता में चलने के लिए अपने शरीरों को ईश्वर के लिए एक जीवित बलिदान करते हैं, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हव्य होता है। And our bodies become the temple of the Holy Spirit. और हमारे शरीर जो है वो पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। 1 Corinthians 6:19 and 3:16. पहला कुरिन्थियों 6:19 और पहला कुरिन्थियों 3:16 ऐसा ही कहता है हमें। And as we become the temple of the Holy Spirit in our bodies, we are glorified, filled with the glory of God, as the temple of Solomon was filled with the glory of God. जब हमारा शरीर परमेश्वर का जीवित मंदिर बन जाता है, तो जैसे सुलेमान का मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया, हम भी परमेश्वर की महिमा से भर जाते हैं। And we see God. और हम परमेश्वर को देखते हैं। We experience Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। And according to Romans 8:11. और जैसा कि रोमियो 8:11 कहता है, Then our mortal bodies are resurrected as the dead body of Jesus was resurrected by the Holy Spirit. तब हमारे मरणहार देह भी
जैसे यीशु की मृतदेह उठा ली गई, पुनरुत्थित हो गई, हम भी पुनरुत्थान को पाते हैं। And according to 2 Corinthians 3 and verse 18, और दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसके वचन 18 के अनुसार से, We are transformed from glory to glory into the image of the Lord Jesus Christ. हम अंश दर अंश महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते जाते हैं। And when we are full of the glory of Jesus Christ, in the image of Jesus, और जब हम यीशु के समानता में, at the name of Jesus, every demonic spirit is cast out. और यीशु के स्वरूप में बदलते जाते हैं, तो यीशु के नाम में हर एक शैतानिक आत्माएं निकल जाती हैं। Jesus has said, in my name, you will cast out devils. यीशु ने कहा है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, उन्हें भगाओगे। No devil can stand before you because your body is the temple of the Holy Spirit, full of the glory of God. कोई भी दुष्ट तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर की महिमा से भरपूर परमेश्वर का मंदिर है। What a joy it is for our bodies to be full of God's glory. ये कैसे आनंद की बात है कि हमारे शरीर परमेश्वर की महिमा से पूरी तरह से लबरेज हो। God is living in you. परमेश्वर आपके अंदर में जीता है। The Holy Spirit is God living in you, full of glory, to resurrect you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर महिमा के साथ जीता है, ताकि वो आपको पुनरुत्थित करे। He will resurrect your soul from sin and keep it holy. वो आपके प्राणों को पाप से पुनरुत्थित करेगा और उसे सुरक्षित और पवित्र बनाए रखेगा। Secondly, the glory of God will resurrect your mortal bodies when you die and take you to heaven. दूसरी चीज, जब आप मर जाएंगे तो परमेश्वर की महिमा जो है आपके मरणहार देह को स्वर्ग ले जाएगा बदल कर। Thirdly, the Holy Spirit, the glory of God will resurrect your organs and bring life to it and make it live supernatural. तीसरी चीज, परमेश्वर की महिमा आपके मरणहार अंगों को पुनर्जीवित करके उन्हें अद्भुत तरीके से सक्रिय करे। By the stripes of Jesus we are healed. प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा से हम जो है अपने रोगों से चंगे हुए हैं। And the Holy Spirit will resurrect every organ and make it full of glory to do God's will. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर की यह महिमा हमारे मृत अंगों को पुनरुत्थित करेगी। What a joy, what a hope we have in the glory of God, which is dwelling amongst us through Jesus Christ. हमारे लिए कैसा आनंद और आशा है कि हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा जो यीशु के द्वारा है निवास करती है। And secondly, the glory of God brings forth resurrection in our mortal bodies. John 11 and verse 4. यूहन्ना 11 वचन 4 के अनुसार परमेश्वर की ये महिमा हमारे मरण हर देह को जीवित करती है। Lazarus was dead. लाजर जो था वो तो मर गया था। But Jesus said, "This is for the glory of God that he has died." लेकिन यीशु ने कहा, ये तो परमेश्वर की महिमा है जिसके लिए वो मर गया। And the glory of God was revealed as Jesus said, "Lazarus, come forth from your death." और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई जब उसने कहा कि लाजर तू बाहर निकला। And every organ of Lazarus came alive. He resurrected. और लाजर का हर एक अंग जो था वो जीवित हो गया और वो जीवित बाहर आ गया। The same glory of God has come to dwell with you this month to resurrect your mortal bodies and organs. परमेश्वर की वही महिमा आपके साथ रहने आई है कि आपके मरणहार अंगों को पुनर्जीवित करे। And next, the glory of God brings forth riches. और अगली बात, परमेश्वर की महिमा हमारे लिए धन और ऐश्वर्य लाती है। Philippians 4:19. फिलिप्पी 4 उसके वचन 19 के अनुसार, My God shall supply all your needs according to his riches in Christ Jesus. मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। As you give your offerings to support God's ministry. जब आप परमेश्वर की सेवकाई को सहायता के लिए अपने दान भेजते हैं, to care for the poor, the sick, the downtrodden, and the broken-hearted through Jesus Calls, Sisha and Karunia. जब आप Jesus Calls, Sisha और Karunia के द्वारा दबे, कुचले और असहायों की सहायता करते हैं, God will resurrect you
and provide all your needs according to His riches in abundance. तो परमेश्वर जो है आपके अंदर उत्थित होगा और अपने महिमा के धन के अनुसार आपकी हर एक घटी को बहुतायत से पूरी करेगा. This month I believe it will be a resurrection month in your finances. मैं विश्वास करता हूँ यह माह जो है आपके आर्थिक क्षेत्र में फिर से एक बार पुनर्जीवन का क्षेत्र. Provide all your needs with riches. और वह आपकी हर एक घटी को बहुतायत के साथ आपके लिए पूरा करेगा. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. And then he says, you will eat, drink, and live to bring glory to God. और फिर वो कहता है कि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए जियोगे, खाओगे और पियोगे. 1 Corinthians 10:31. पहला कुरिन्थियों 10 और वचन 31 के अनुसार. Exodus 23:25. निर्गमन 23 और वचन 25 के अनुसार. He will bless your bread and water and keep sickness away from you. वह आपके जल और रोटी को आशीष देगा और आपसे रोग को दूर रखेगा. Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी न डरें. And finally. और अंत में. Philippians 2:10-11. फिलिप्पियों 2 वचन 10 और 11 के अनुसार. At the name of Jesus, every knee will bow. यीशु के नाम पर हर एक घुटना जो है वो झुकेगा. And this will bring forth glory to God. और यह परमेश्वर के लिए महिमा को लेकर के आएगी. What a great joy. ये कैसा महान आनंद होगा. What a great joy. कैसा महान आनंद. May God give you this grace. परमेश्वर आपको यही अनुग्रह प्रदान करें. Father, we thank you for you're going to stay with us as God, as Father, as our glory through the Holy Spirit. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे परमेश्वर और हमारे पिता बनकर के हमारे साथ हैं. Let this month be a month of great blessings as you come to live with us, Lord, as we heard. होने दे प्रभु जी, जैसा हमने सुना जब आप हमारे साथ रहने के लिए आते हैं, यह माह हमारे लिए बड़ी आशीष का माह हो. Lord, let all your needs be supplied. और होने दे प्रभु जी कि जितनी भी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो. Let them have every blessing as your child transformed into the image of Jesus. आपके बच्चे होने के नाते जो आपके स्वरूप में बदले हुए हैं वे आपके हर एक आशीष को पाने पाए. Let there be healing in their bodies and resurrection in Jesus name. यीशु के नाम में उनके शरीरों में प्रभु जी इस समय चंगाई जो है वो आ जाए. Let thy word be revealed and let us see Jesus this month. आपका वचन जो है प्रकट हो और इस माह में हम यीशु को देखने पाए. We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में आमीन. God bless you. Have a wonderful month. परमेश्वर आपको आशीष दे. यह माह आपके लिए अद्भुत ठहरे.